हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मॉनिटर और टीवी में डिफरेंस के बारे में, क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसमें, हम टीवी को मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हैं कि नहीं, मॉनिटर को टीवी के टाइप यूज कर सकते हैं कि नहीं, दोनों में कौन बेहतर है, कौन किस चीज में बेस्ट है, इस टाइप से आज सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि भैया मॉनिटर और टीवी में क्या फर्क होता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। वहीं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही मौका है भैया, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो टीवी और मॉनिटर, इसमें बहुत ज्यादा मतलब सोचने वाली बात हो जाती है कि भैया टीवी तो सस्ते आते हैं और बड़ा सा डिस्प्ले भी मिल जाता है, मॉनिटर तो महंगे होते हैं, और अगर हमको जरूरत है अपने कंप्यूटर में चलाने के लिए तो क्या हम टीवी को नहीं चला सकते। भैया बिल्कुल आप चला सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है, तब आप अपनी नीड के हिसाब से यूज कर पाएंगे सही चीज को सही जगह। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइज की। तो भैया साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मॉनिटर्स का साइज अमूमन टीवी के कंपेयर में छोटा ही होता है। मॉनिटर छोटे साइज का आता है, टीवी बड़े साइज का आता है, ये तो हो गई नॉर्मल बात। लेकिन एक बात और इसमें देखना होगा कि भैया जो टीवी आता है वो 16.9 रेशियो में ही आता है, मतलब एक रेक्टेंगुलर सा आपको मिल जाएगा टीवी, भैया आप उसको यूज करो। लेकिन वहीं अगर आप मॉनिटर्स को देखोगे तो उसमें आपको वाइड एंगल का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल मॉनिटर लेंगे तो भैया वो भी आपको नॉर्मल रेक्टेंगल सा ही मिलेगा, लेकिन मॉनिटर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको दिखेगा कि वाइड एंगल एक चौड़े चौड़े मॉनिटर्स आते हैं, क्योंकि आप उसमें आपको काम करना है। और टीवी का भैया सीधा सा हिसाब है कि रेक्टेंगुलर शेप होगा, 16.9 रेशियो होगा, और आपको उसे दूर से बैठ के देखना है, मूवी वगैरह, वेब सीरीज वगैरह या सीरियल्स इंजॉय करने हैं। लेकिन वही मॉनिटर में आपको 21.9 रेशियो तक के मॉनिटर आपको मिल जाएंगे मार्केट में अगर आप ढूंढेंगे तो। ये तो हो गई साइज की बात। अब हम बात कर लेते हैं रिजोल्यूशन की। तो भैया रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा मायने रखता है दोनों ही चीजों में। तो रिजोल्यूशन दोनों में ही आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक बात आती है यहाँ QHD की। QHD वाला जो फॉर्मेट होता है वो आपका 4K से छोटा और फुल HD से बड़ा होता है। ये आपको टीवी में देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मली आपको ये मिलेगा मॉनिटर्स में। खैर इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेन बात आती है पिक्सल डेंसिटी की। तो पिक्सल डेंसिटी जो है वो पर स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल्स आपके लगे हुए हैं आपके डिस्प्ले में, वो मैटर करता है यहाँ पर। दोनों का ही यूज अलग अलग है, अलग अलग पर्पस से ये बनाए गए हैं। तो भैया जैसे मॉनिटर में आपको सामने बैठ के काम करना है, आपको उसमें कोई एडिटिंग करनी है, वीडियो बनाना है या फिर फोटो वगैरह एडिट करना है, तो इस टाइप से मॉनिटर दूसरे काम के लिए बनाया गया है। वहीं टीवी नॉर्मली हम लोग कम से कम 7-8 फीट दूर बैठ के ही देखते हैं, एकदम टीवी के पास बैठ के कोई भी टीवी नहीं देखता है, इसलिए ये दोनों में पिक्सल्स का फर्क होता है। आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो एक 32 इंच की टीवी आपको फुल HD मिल जाएगी, लेकिन वहीं अगर आप मॉनिटर्स में जाएंगे तो भैया 32 इंच तो बहुत दूर की बात है, आपको 24 इंच ही आखिरी मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा मॉनिटर्स में। अगर उससे ऊपर का मॉनिटर आप लेते हैं, जैसे आप 27 इंच 28 इंच का मॉनिटर ले लेते हैं और वो फुल HD का होता है, तो उसमें आपको उसके पिक्सल, छोटे छोटे पिक्सल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब आपको खुली आंखों से उन्हें देख पाएंगे, तो इसमें क्वालिटी का बहुत ज्यादा इशू हो जाता है फिर, क्योंकि हमें उसे पास से देखना है और काम करना है। तो इस वजह से टीवी दूर से है तो भैया ठीक है, लेकिन अगर पास से आपको काम करना है तो पिक्सल डेंसिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है, जो कि आपको मॉनिटर में ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। वहीं मैं बात करूं नेक्स्ट इसमें, तो कलर एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एक मॉनिटर और एक टीवी में, कि भैया आप मॉनिटर में तो आपको एकदम एक्यूरेट परफेक्ट कलर्स दिखाए जाएंगे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहीं टीवी में आपका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा, आपको एकदम पंची कलर्स मिलेंगे, मतलब वो प्रोसेस की हुई इमेज है या प्रोसेस किया हुआ वीडियो है, इस टाइप का आपको लगेगा। अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं या फिर मतलब अपने इमेज को एडिट कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपको भैया टीवी में, अगर आप टीवी लगा के रखे हुए हैं अपने मॉनिटर की जगह, तो भैया टीवी में आपको वो बहुत अच्छा लगेगा वो फोटो, वो इमेज उस जगह पे, लेकिन जैसे ही आप उसे किसी और जगह अपलोड करेंगे तब आपको पता चलेगा यार ये तो कलर बदल गया, पहले टीवी में अलग दिख रहा था और इसमें अलग दिख रहा है, इस टाइप से प्रॉब्लम्स आते हैं। वहीं अगर आप मॉनिटर का यूज करेंगे तो भैया मॉनिटर एकदम ज्यादा एक्यूरेट होता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है कलर्स के मामले में, कलर्स जो है आपको उसमें जो है एक्चुअल कलर वही दिखेगा। अगर आप मान के चलिए, इस चीज को आप इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि भैया आप टीवी में कोई मूवी देखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, वहीं अगर आप सेम मूवी उसी जगह पे अगर आप उसे
मॉनिटर में देखेंगे या अपने लैपटॉप में देखेंगे तो जो उसका डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, आपको समझ में आएगा अलग से। वहीं मैं नेक्स्ट बात करूं तो न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आपको टीवी में ज्यादा देखने को मिलेंगी कि भैया टीवी आजकल लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, मॉनिटर कम खरीदते हैं। एलईडी आपको मॉनिटर में मिल जाएगा, टीवी में मिलेगा, लेकिन जो नए टेक्नोलॉजीज है जैसे कि ओएलईडी हो गया, क्वांटम डॉट वगैरह हो गया, ये सब आपको टीवी में ज्यादातर देखने को मिल जाएगा न्यू जो टेक्नोलॉजीज है। वहीं अगर मॉनिटर की बात करूं तो भैया मॉनिटर पुरानी टेक्नोलॉजी में ही अपना आराम से चल रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है हमारा सबसे मेन टॉपिक जो कि है रिस्पांस टाइम। भैया आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत आपको होगी रिस्पांस टाइम की कि आप कोई भी उसे कमांड दे रहे हैं या कुछ टाइपिंग कर रहे हैं तो भैया वो कितने देर में आपको रिस्पांस कर रहा है आपका मॉनिटर। तो ये जो मॉनिटर्स होते हैं वो इसी काम के लिए ही बने हुए हैं, तो भैया ये आपको लगभग 5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम लेते हैं। मतलब कीबोर्ड में आपने कोई बटन क्लिक किया, 5 मिलीसेकंड के अंदर अंदर वो आपको रिस्पांस कर देगा। ये एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतर चीज है मॉनिटर्स में। अगर आप गेमिंग मॉनिटर्स लेंगे तो उसमें भैया ये टाइम घट के लगभग 1 ms तक चले जाता है, यानी कि 1 ms में वो आपको रिस्पांस कर देगा। वहीं अगर टीवी की बात करूं तो टीवी में रिस्पांस टाइम नॉर्मली तो बताया ही नहीं जाता है क्योंकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, कस्टमर डिमांड भी नहीं करता है कि भैया हमें इसका रिस्पांस टाइम बताओ। लेकिन फिर भी हमने इसे अच्छे से रिसर्च किया और ढूंढा कि भैया इसका रिस्पांस टाइम एक्चुअल में होता कितना है, तो हमें पता चला कि इसका रिस्पांस टाइम लगभग 32 ms होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा है। अगर आप गेमिंग के पर्पज से अपने टीवी को यूज करना चाह रहे हैं तो भैया ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं होने वाला है क्योंकि रिस्पांस टाइम इतना ज्यादा होना गेमिंग के लिए सही नहीं रहेगा। गेमिंग के लिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो 16 ms का जो टाइम होता है रिस्पांस टाइम वो हाईएस्ट है। मतलब अगर आप कोई ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हैं तो 16 ms का जो रिस्पांस टाइम है वो हाईएस्ट लेवल पे रहेगा कि भैया उससे नीचे होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी हाईएस्ट है, चल जाएगा इतना में हमारा काम, लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा तो नहीं चल पाएगा। तो वही चीज टीवी में 32 ms है, तो ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है। वहीं इसके बाद अगर मैं बात करूं रिफ्रेश रेट की तो ये रिफ्रेश रेट भी बहुत ज्यादा कम होने वाला है टीवी का। आप स्मार्टफोन में तो रिफ्रेश रेट जानते ही होंगे, रिफ्रेश रेट के बारे में मैंने एक और अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको रिफ्रेश रेट के बारे में अच्छे से जानना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो टीवी का रिफ्रेश रेट 60 Hz होता है। 60 Hz एक नॉर्मल रिफ्रेश रेट है, गेमिंग इसमें भी हो जानी है, अच्छे से ही हो जानी है, ठीक ठाक हो जाएगी, कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रो बनना है या बहुत खतरनाक गेमिंग करनी है तो भैया उसके लिए रिफ्रेश रेट का ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे फर्क पड़ता है। वहीं मैं बात करूं मॉनिटर्स की तो भैया मॉनिटर्स में 75 Hz के आपको मॉनिटर्स मिल जाएंगे 10,000 के आसपास की रेंज में। तो भैया 10,000 अगर खर्चा करके आपको 75 Hz मिल रहा है तो वो एक 32 इंच की टीवी से तो बेहतर ही है। वहीं अगर आप इसमें अपना बजट बढ़ाते हैं तो भैया ये बढ़ते हुए 120 Hz 240 Hz तक की भी डिस्प्ले आपको, यानी कि मॉनिटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। वहीं दोनों में छोटा सा डिफरेंस ये भी होता है कि भैया टीवी में आपको बहुत अच्छे स्पीकर्स मिल जाते हैं, आपका जो साउंड एक्सपीरियंस है वो टीवी में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है मॉनिटर की अपेक्षा। अगर आप सस्ते मॉनिटर्स पे जाएंगे तो उनमें तो आपको स्पीकर मिलेगा ही नहीं, उसमें स्पीकर का जगह ही नहीं होता है भैया, उसमें डाले ही नहीं है, उसमें ये सब चीज कॉस्ट कटिंग में आती है कि भैया जो भी मॉनिटर ले रहा है वो हेडफोन्स लेगा ही या फिर होम थिएटर का यूज करेगा, इस टाइप से उसमें स्पीकर दिए ही नहीं जाते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे मॉनिटर्स में भी जाएंगे तो उसके स्पीकर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, वो नॉर्मल एक काम चलाने के लिए आपको दे दिया जाता है, वहीं उसकी कॉस्ट कटिंग की जाती है और इन पैसों को ही दूसरे सेक्टर में लगाया जाता है आपके एक्सपीरियंस को और ज्यादा इनहेंस्ड करने के लिए। लेकिन टीवी में आपको स्पीकर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, ये एक अच्छी बात है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि भैया दोनों ही अपनी अपनी जगह में बढ़िया है, दोनों का काम अलग अलग है, अपने अपने काम के हिसाब से दोनों ही परफेक्ट हैं। लेकिन अब क्या हो भैया कि हमको टीवी यूज करना है अपने सिस्टम में मॉनिटर को हटा के या फिर हमको बड़ा स्क्रीन चाहिए तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको क्वालिटी में फर्क देखने को मिलेगा लेकिन वो एडजस्टेबल होता है, कोई खास दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि दोनों में ही आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा, दोनों में ही VGA पोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो भैया आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी नॉर्मली अच्छे से मिल भी जाता है, बड़े साइज का टीवी कम रेट में आपको अवेलेबल भी हो जाता है मार्केट में। वहीं अगर आप बड़े साइज का मॉनिटर लेने जाएंगे तो वो काफी महंगा पड़ता है। तो अगर आपका काम आसानी से कम प्राइस में टीवी में हो सकता है तो भैया आपको जबरदस्ती बहुत बड़ा मॉनिटर बहुत ज्यादा पैसे देके खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका काम टीवी में हो जाएगा, बशर्ते आपको बहुत ज्यादा खतरनाक गेमिंग नहीं करनी है या बहुत खतरनाक एडिटिंग नहीं करनी है, तो फिर आपका काम एकदम आसानी से चलने वाला है, मॉनिटर से अच्छा टीवी ही है। या फिर अगर आप एकदम प्रोफेशनल गेमर हैं या फिर वीडियोस वगैरह एडिटिंग का काम करते हैं या फोटो एडिटिंग का काम करते हैं तो उसके लिए मॉनिटर बेस्ट रहेगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि मॉनिटर और टीवी में क्या फर्क होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया यही मौका है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।